उस्ताद जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि सारंगी के साथ एक जो दो तीन चीज़ें मैं कहता हूँ और आप उसको फिर हमें बताइएगा। एक तो ये थॉट प्रोसेस हो गया कि साहब कोई बहुत ही सैड एक इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत ही कोई दुखद घटना होगी तब सुनने को मिलता है। एक अवधारणा या मान्यता ये भी रही कि ये तो कोठे पर बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी जो बात मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में जो संगत के वाद्य यंत्र के तौर पर सारंगी की जगह थी उसको हारमोनियम ने काफ़ी तेज़ी से पीछे छोड़ा है, हारमोनियम ज़्यादा प्रमुख तो होता गया है, इन तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बड़ा मुकम्मल साज है। इसका एक जो रंग है, जो सैडनेस बोल लें आप, या उसमें जो एक रंज का साउंड है, वो बहुत अच्छी तरह से निकलता है सारंगी में। और ये ज़रा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो खुशी का संगीत या ऐसा म्यूज़िक जिससे आप डांस महसूस कर सकें, वो भी सारंगी में बहुत अच्छी तरह बजाया जा सकता है। जैसे कि आप राजस्थान में देखते हैं सारंगी में, तो उसमें देखते हैं एक डांसर डांस कर रही है और सारंगी में वो जादू हो रहा है और वो उसको दर्शा रही है। तो सारंगी क्योंकि सौरंगी है तो इसके हर रंग हैं इसमें, उसमें से आप दुख का संगीत या खुशी का संगीत दोनों बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं। और मैंने इसके उदाहरण के तौर पे एक एल्बम भी की थी, डांस ऑफ द डेजर्ट, जो जिसमें मैंने ये दर्शाया कि सारंगी न सिर्फ एक दुख का साज है बल्कि इसमें आप डांस भी महसूस कर सकते हैं। खुशी, क्योंकि खुशी जब होती है तो आप नाचना चाहते हैं, दो तरीके के नाच होते हैं, एक मन से नाचते हैं आप जब अलाप हो रहा होता है और तो आपका मन एकदम मगन हो चुका होता है, और एक डांस होता है जो फिज़िकल आप नाचते हैं। तो ऐसा संगीत भी इसमें उतना ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी एल्बम्स की जिसमें सिर्फ डांस का म्यूज़िक था, सारंगी फंक एल्बम मेरी की मैंने डांस ऑफ द डेजर्ट की, तो यही चीज़ दर्शाने की कोशिश की कि सारंगी न सिर्फ एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे आप सिर्फ कोई मर जाए तो उसको खिराज अकीदत या उसको आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ये उतना ही खुश है कि किसी की शादी है, कुछ खुशी का माहौल है तो उसमें भी सारंगी को आप बजाएं। दूसरा ये कि कोठे पे अगर सारंगी बज रही है, वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त मौसीकी होती वहाँ थी, और कुछ ऐसा भी था कि जो उस मौसीकी में लोग जाते थे या डांस करती थी या लड़कियाँ लेडीज़, उसको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो मानसिक उनकी सोच ऐसी बन गई थी। अब तो हर घर में डांस हो रहा है, हर लड़की जो है ना वो डांस कर रही है और फिल्मों में आने की कोशिश कर रही है, तो वो वक्त के हिसाब से चेंज होता रहा। पुराना वक्त ऐसा था जबकि इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, और उस वक्त काम सारंगी प्लेयर्स के पास वहीं मिलता था क्योंकि मौसीकी वहीं ज़्यादा होती थी, उसमें तबला भी है, सितार भी है, तो वहीं परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। सारंगी को इसलिए ज़्यादा उस तरफ देखते थे क्योंकि वो गाने के साथ संगत करती थी, और किसी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि गाने के साथ, क्योंकि गाने के संगत ही जो है वो बहुत मुश्किल है, वो आसान काम नहीं है। तो सारंगी को ये शर्फ और सारंगी को ये रुतबा हासिल है कि वो गाने को भी उतार के रखती है। कोई भी गाना आप दे दें तो वो सितार में मुमकिन नहीं है, वो फ्लूट में मुमकिन नहीं है, या और कोई वाद्य यंत्र है उसमें वो सरोद में मुमकिन नहीं है, सारंगी में मुमकिन है। क्योंकि सारंगी के 100 से मैं समझता हूँ कई हज़ार रंग हैं, और सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो गाने के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो गायकी को अगर 99.9% उतारता है हाथ में तो वो सारंगी होती है। सरोद प्लेयर या सितार प्लेयर यही कहते रहते हैं कि जी हम गायकी अंग बजा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गायकी की, सारंगी पे तो बजता ही गायकी अंग है। तो सारंगी तो गाने के सबसे ज़्यादा नज़दीकी साज है, और सारंगी से बढ़कर गाने को अगर फॉलो कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सारंगी है। उसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि सारंगी सोलो भी बज रही है अब, तो सारंगी तो बढ़ ही रही है ना, तो संगत करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप संगत जब कर रहे हैं तो कभी कोई गज़ल गा रहा है उसकी भी संगत कर रहे हैं, कभी कोई ख्याल गायकी गा रहा है तो उसकी भी संगत कर रहे हैं, भजन गा रहा है या ध्रुपद संगीत गा रहा है, उसमें मेरे वाली साहब ने सीनियर्स डागर ब्रदर्स के साथ भी संगत की, उसकी आप देख लें यूट्यूब पर रिकॉर्डिंगें लगी हुई हैं, उन्होंने धमार भी सारंगी पे अगर किसी ने बजाई है धमार तो उस्ताद साबरी खान साहब ने, और धमार ऐसी खूबसूरत बजाई है कि बजाना ही मुश्किल है, वो उसमें हाथ डालना ही आदमी 10 बारी सोचेगा कि ये रंग क्या मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि उसकी अलग तालीम है। इसलिए क्योंकि सारंगी सौरंगी कहा गया है
तो हर रंग होना चाहिए सारंगी में। ये नहीं कि बस अपना तीन ताल लेके उसी को बजाया जा रहा है, उसमें बड़ा बना लिया, उसमें भी ख्याल नहीं बजा रहे, एक लय उसकी बना ली, उसकी गत बजा रहे हैं उसमें। अगर आप सारंगी प्लेयर हैं, ख्याल है तो ख्याल बजाइए ना आप। बंदिश अगर है तो वो ख्याल की होनी चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल ख्याल होना चाहिए। तो सारंगी सौरंगी है, उसमें हर रंग नज़र आना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कि संगत जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है। और अब आजकल अगर गवैयों ने उसको लेना छोड़ा, क्यों थ्रेटन महसूस करने लगे, एक ऐसी चीज़ महसूस करने लगी, क्योंकि जब गवैये के साथ, ये तीसरा आपका क्वेश्चन था, सारंगी बज रही है तो सारंगी उसको उतार के रख रही है, तो सारंगी को कहीं अगर क्लैप मिल गई या ज़्यादा वाहवाही मिल गई तो कभी कभी गवैया जो है ना वो उससे वो थ्रेटन या उससे अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगा कि यार ये तो पूरा उतार दिया जो मैंने अभी, मैं इतने सालों से रियाज कर कर आया हूँ। सारंगी प्लेयर तो उसी वक्त उसको कह रहा है। और दूसरा ये भी कि सारंगी के साथ गाना भी आसान नहीं है, उसके लिए अलग एक, जैसे पुराने ट्रेडिशनल गवैये हुए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, ये लोग सारंगी लेके ही गाते थे। अपना पुरानी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे पंडित नारायण राव व्यास जी या विनायक राव पटवर्धन जी या बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, ज़्यादातर उन्होंने सारंगी को इस्तेमाल किया। मेरे वाली साहब ने बहुत संगत की, बड़े गुलाम अली खान साहब की भी, अमीर खान साहब की भी, और उनसे बड़े जो उस वक्त के सारंगी वादक रहे उन्होंने भी, उनके साथ, बेगम अख्तर जी के साथ, और ये गज़ल और ठुमरी दादरा ये सब, तो वो अलग रंग की संगत होती थी। तो आजकल जो है वो इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि सारंगी प्लेयर्स को संगत की भी एक अलग तालीम होती है कि संगत कैसे करनी है। उस वक्त आपका रोल एक कॉम्प्लीमेंटिंग रोल है, आपने गाने को संवारना है, आपने गाने की और चार चांद लगा के पेश करने हैं। और जब आप सोलो बजा रहे हैं तो अपना आप रियाज जो करके आए हैं, क्योंकि जब आप दूसरे के साथ संगत कर रहे हैं तो उसका काम दिखाना है आपने, उस वक्त उसकी तान कहनी है। जब आप सोलो बजा रहे हैं तो अपने घराने की जो खासियत हैं, अपनी बंदिश है जो आपने सीखी है वो। लेकिन सारंगी प्लेयर को संगतकार अच्छा बनने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसको शुरू से अच्छे गवैयों के साथ बैठना पड़ता है, और फिर उसकी नॉलेज जो है वो गवैये से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उस वक्त संगत कर सके। हर राग उसको समझ में आना चाहिए, या राग अगर उसे कहीं भी नहीं भी मालूम तो उसकी जो अप्रोच है वो ये रहनी चाहिए कि पहले राग को समझे, उसमें फिर कैसे गवैया बढ़त कर रहा है उस चीज़, उसमें आपको बहुत ही शार्प माइंडेड और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको समझ के आपको उसकी संगत करनी चाहिए। तो अगरचे वो नहीं कर रहे हैं तो वो सही संगत नहीं है। आप अगर उससे परेशान कर रहे हैं गवैये को तो वो भी एक आपका जो रूल है संगतकार का, जो प्रिंसिपल है, उससे हट के आप काम कर रहे हैं तो फिर वो डिस्टर्ब महसूस करेगा और फिर वो नहीं लेगा। तो इसमें दोनों की मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों की कमियाँ रही हैं कि कुछ गवैयों ने उससे थ्रेटेंड महसूस करना शुरू कर दिया, इस वजह से उसको छोड़ दिया, और कुछ सारंगी प्लेयर्स को संगत का सही तरीका नहीं आया, तो वो गवैयों को परेशान करके इस वजह से उन्होंने सारंगी लेना छोड़ दिया गाने वालों ने। लेकिन उसका दूसरा रंग ये हुआ कि सारंगी प्लेयर्स, जो कि मैं समझता हूँ, मैंने सबसे पहले यंग एज में इनिशिएटिव लिया था कि अब थोड़ी देर बाद मैं एक सोलो सारंगी प्लेयर बनूंगा, लेकिन मैंने शुरुआत नगमा बजाया डांस के साथ, गज़ल के साथ, सब जितने भी गज़ल गायक बड़े हैं सबके साथ मैंने संगत की, गवैये जितने भी बड़े बड़े उस वक्त हुए, आज भी, मतलब ये कि जो भी हैं सबके साथ मैंने गाना बजाना किया है और सबके साथ बैठा हूँ उसमें, चाहे ऊपर वाले का करम रहा मालिक का के श्रीमती गंगूबाई हैंगल जी के साथ, किशोरी मुनकर जी के साथ, और प्रवीण सुल्ताना जी के साथ, और सारे जितने भी बड़े बड़े कलाकार, उस्ताद सलामत अली खान साहब, अमानत अली, सॉरी फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब के छोटे भाई जो थे उनके साथ भी मैंने संगत की, और आज के जो गवैये हैं उनके साथ, सबके साथ मैंने बजाया। उसके बाद फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, ये सोच ली कि मैं अब एक सोलोइस्ट बनूंगा, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता था कि सारंगी का क्या रोल है भारतीय शास्त्रीय संगीत में और सारंगी क्या कर सकती है और क्या क्या किया है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपना एक रास्ता खुद बनाया जाए, लोगों को उसमें इनवाइट किया जाए कि आप आमंत्रित हैं, आप देखिए कि सारंगी कैसे खिदमत कर सकती है सुनने वालों को, श्रोतागण को कैसे एक फीलिंग ऑफ प्लेजर दे सकती है, आनंद दे सकती है। तो इस करके मैंने अलग अलग एल्बम्स की, सोलो एल्बम्स की, क्लासिकल एल्बम्स की, मेडिटेशन की एल्बम की, और फ्यूजन एल्बम्स की, सारे वर्ल्ड के साथ, सो म्यूजिशियंस के जो अच्छे वर्ल्ड के म्यूजिशियन थे उनके साथ काम किया।
उस्ताद जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें 100 रंग हैं और इसमें खुशी का रंग भी है, तो क्यों ना कुछ खुशी का रंग हो जाए, चाहे तो राजस्थान से। जी जी, मैं राजस्थान का आपको कुछ हो या जो भी आपकी। जी 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 जी, जरूर। वादीला ढोला रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं, मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं, मारे पीवर रे बहरन रे। अंदाज है। इस इंटरव्यू में अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये बातचीत जारी रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।